फिश को मैरिनेट करने के लिए फिश सबसे पहले मैंने नमक और नींबू लगा के रख दिया था 1 घंटे के लिए। उसको वॉश करके हम उसको ड्राई करके यूज करेंगे। मैरिनेशन के लिए 1.5 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जिंजर कम है, गार्लिक ज्यादा है। एज यूजुअल 1 टीस्पूनफुल सॉल्ट, 1 टीस्पूनफुल चाट मसाला, 1 टीस्पूनफुल तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा मसाला, आई एम सॉरी जीरा पाउडर एंड 1 टीस्पूनफुल देगी मिर्च। एक नींबू का जूस डाल रही हूं मैं। नींबू से टैंगी बनेगी, थोड़ी स्पाइसी एंड टैंगी। फुल लेम पूरा नींबू मैंने निचोड़ दिया है। नाउ मस्टर्ड ऑयल 1 टेबल स्पून फुल। मिक्सड सारा मसाला मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स कर लिया है। अब फिश फिलेस को मैं मैरिनेट कर रही हूँ। अच्छे से मैरिनेट करना है, मसाला कोट हो जाना चाहिए। इसको मैरिनेट कर लिया है। इसको आधा 1 घंटा मैं साइड पे रखूंगी। उसके बाद को मैरिनेट कर लिया है। इसको आधा 1 घंटे के लिए मैं रेस्ट देने दूंगी। रेस्ट करने के बाद इसका आगे हम ग्रिलिंग स्टार्ट करेंगे। ग्रिलर मैंने गर्म कर लिया है। हम ये नॉर्मल अपना ग्रिलर यूज कर रहे हैं। इसमें आपको फ्लिप नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। ये सबके घरों में आजकल ग्रिलर होता है एंड वेरी इजी टू मेक इन दिस। अभी जो हमने फिश मैरिनेट करके रखी थी उसको मैं रख रही हूँ इसके अंदर। थोड़ा सा बटर ये मैं ऊपर भी लगाऊंगी थोड़ा सा एंड इसको हम बंद कर देंगे और ग्रिल होने देंगे। लिड भी नहीं हुए हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मैं ओपन कर रही हूँ। वाओ, लुक एट द लवली कलर एंड द ग्रिल मार्क्स। लुक व्हाट अ लवली कलर। लुक एट द कलर। मैं मेयो के साथ इसको सर्व कर रही हूँ विद चिली फ्लेक्स एंड इटालियन सीजनिंग मैंने ऊपर स्प्रिंकल की है। बनके रेडी है। हम लोगों ने सैंडविच ग्रिलर में बनाया है। लुक एट द कलर, व्हाट अ लवली कलर एंड व्हाट द लवली मार्क्स।